कि लड़ाई कहीं नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। पवन सिंह का जो जनसभा था और जो भीड़ थी वो सिर्फ प्रोग्राम देखने के लिए, गाना बजाना नाच के प्रोग्राम देखने वाला भीड़ था। कुशवाहा 2 लाख वोट से जीत रहे काराकाट, ठीक है चुनाव निकलेगा बीजेपी के, मोदी जी जीतेंगे। पूरा पूरा उपेंद्रमय है, उपेंद्रमय है। माता रानी और महापुरुष का आशीर्वाद लेके निकले हैं, 100% विजयी होगा। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। हम लोग मौजूद हैं अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुवरा में। मैं आपको बता दूं कि आज उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन के बाद यहां विशाल जनसभा होना है और विशाल जनसभा हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी कुछ देर पहले यहां से अपना संबोधन कर गए हैं और चिराग पासवान का संबोधन अभी हो रहा था कुछ देर पहले ही। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो एक बार स्टेज के तस्वीर को दिखाएं किस तरीके से यहां पर भीड़ है। लेकिन इन सबों के बीच यहां पर लगातार काराकाट के कई क्षेत्रों से जनता लोग आए हैं और वो क्यों यहां पर आए हैं और क्या डिमांड यहां से हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी जी और क्या पक्ष में आए हैं कि विपक्ष में आए हैं, हम डायरेक्ट बात करने का प्रयास करेंगे कुछ लोगों से। क्या कहिएगा चाचा, क्या माहौल लग रहा है काराकाट का? ठीक है चुनाव निकलेगा बीजेपी के, मोदी जी जीतेंगे। क्यों है, बहुत काम किए हैं। अच्छा, आज का जनसभा देखकर क्या लग रहा है, कितना असर होगा इसका? बहुत बहुत बड़ा असर होगा, बहुत असर होगा। कहाँ से आए चाचा? दाऊदनगर से। अच्छा, क्या लग रहा है उधर का, क्या माहौल है? पूरा पूरा उपेंद्रमय है, उपेंद्रमय। भारी मतों से जीतेंगे उपेंद्र कुशवाहा। विपक्ष का भी कल जनसभा हुआ था, उसमें भी भारी संख्या में भीड़ देखा। कौन सा विपक्ष, कौन सा विपक्ष? कोड़ी गोला में जनसभा हुआ था। किसका? पवन सिंह का। पवन सिंह का जो जनसभा था और जो भीड़ थी वो सिर्फ प्रोग्राम देखने के लिए, गाना बजाना नाच के प्रोग्राम देखने वाला भीड़ था, वो वोट में तब्दील होने वाला भीड़ नहीं था। काराकाट की जनता उपेंद्र कुशवाहा को क्यों चाह रही? उपेंद्र कुशवाहा के जिताने का मतलब हम सिर्फ एक सांसद नहीं जिताएंगे, हम भारत सरकार के एक मंत्री को जिता रहे हैं। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनना तय है और नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, उपेंद्र कुशवाहा यहां से जीतेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र में मंत्री बनेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास अधिक होगा। और उपेंद्र कुशवाहा बेदाग और मिलनसार नेता हैं, पहले भी यहां सांसद रहे हैं, इसलिए 14 में सांसद रहे थे, आपने जिक्र किया। क्या कुछ कार्य कुछ किया था इन्होंने? जरूर किया था कि अपने क्षेत्र में 2-2 केंद्रीय विद्यालय पास करवाए और कई तरह का कार्य किए हैं। इस बार काराकाट की जनता का रुख जाएगा? काराकाट के जनता का पूरा रुख है उपेंद्र कुशवाहा के प्रति है। लड़ाई दो ही धुर के बीच में है, एक तरफ इंडिया अलायंस जिसमें माले का उम्मीदवार है और एक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से है। भारी कौन पड़ रहा है? निश्चित रूप से कोई भी विवेकशील व्यक्ति नहीं चाहेगा कि माले का 20 बरस पहले वाला जिस तरह से समाज में शांति अमन चैन है तो पुनः फिर जो है अशांति और उग्रवाद बढ़े हमारे क्षेत्र में, तो माले को ताकत देना कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहेगा। और सभी विवेकशील लोग जिनके जिनमें थोड़ा भी दिमाग है, सभी लोग उपेंद्र कुशवाहा को, माले को रोकने के लिए, इंडी गठबंधन को रोकने के लिए, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन। आज जनसभा जो है उपेंद्र कुशवाहा का, इसका कितना असर होगा? उपेंद्र कुशवाहा 2 लाख वोट से जीत रहे हैं काराकाट। बड़ा आप दावा कर रहे हैं। बड़ा दावा क्यों, आखिर क्यों 2 लाख वोट इनसे जीत रहे हैं? अरे पूरा नरेंद्र मोदी मय है, उपेंद्र मोदी मय है तब। अच्छा, और 2014 में सांसद रहे थे, कुछ विकास हुआ था 2014 में? तो बहुत विकास किए। इस बार काराकाट के देखिए, आपके बगल में सासाराम में केंद्रीय विद्यालय खोला दिए, देव में केंद्रीय विद्यालय खोला दिए, बहुत काम किए हैं। काराकाट की जनता का रुख जाएगा एकदम 100%, 90% जनता इनके तरफ। किसका टॉप है? कुशवाहा जी के। क्यों क्यों, काम किए हैं तब? काम किए हैं तो इस बार काराकाट की जनता का रुख जाएगा? हाँ जाएगा। क्या लग रहा है आज जनसभा को देख कर कितना असर होगा? देखिये, हम तो कल बता ही दिए थे लो जी कि अपार जनसमर्थन मिल रहा है और आप आज आपको देखने के लिए भी मिल गया। और आपको कल हम बोले थे कि प्रखंड छोड़ दीजिए, बूथ स्तर के हमारे सम्मानित जनता, काराकाट के लोकसभा क्षेत्र के जनता उपस्थित होंगे, जो आज आपको देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, इस भीड़ को देखकर विपक्ष कितना टक्कर दे पाएगा, विपक्ष को क्या कुछ कहना चाहिए? अरे विपक्ष कहीं है ही नहीं, हम तो पहले भी बोले थे कि लड़ाई कहीं नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से भारी मतों से चुनाव जीतेंगे।
भारी मतों से चुना, कहां से यहां पूरा काराकाट से यहां पर लोग आए होंगे, क्या कुछ उनका कहना है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में? अरे उपेंद्र कुशवाहा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के प्रत्येक जनता के लिए काम किए हैं, काम के नाम पर समझ लीजिए कि वोट देंगे लोग। उपेंद्र कुशवाहा जी जब 2014 में चुनाव लड़े थे, हमने कल भी वो बोला था कि यहाँ तीन तीन केंद्रीय विद्यालय लाने के काम किए, तीन केंद्रीय विद्यालय में दो केंद्रीय विद्यालय खोलवाने में सफल हो गए, एक केंद्रीय विद्यालय जो औरंगाबाद जिले के देवकुंड में आज भी वो स्वीकृत है, लेकिन चूंकि उस समय 14 में एनडीए की सरकार केंद्र में बन गई थी, लेकिन 15 में यहाँ सरकार नहीं बन पाई थी एनडीए के, इसलिए वो है, लेकिन अभी जनता का आशीर्वाद मिलेगा वो भी समझ पर क्या लग रहा है, आशीर्वाद मिलेगा काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा? 100% मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता दिए कि माननीय नेता आज जब नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करने के लिए निकले, सबसे पहले माता रानी का आशीर्वाद लिया, और जो महापुरुष देश के, बिहार के देश के महापुरुष थे, जगदेव बाबू, महात्मा गांधी, निशांत सिंह, बहुत सारे महापुरुष का उन्होंने आशीर्वाद लेके पर्चा दाखिल किए हैं, इसलिए उनका सोच देख लीजिए, सोच, मेरा कहने का तात्पर्य जो है आप सोच देख लीजिए, माता रानी और महापुरुष का आशीर्वाद लेके निकले हैं, 100% विजयी होगी।